हाँ जी, अपनी फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया गैंगलियोजेनेसिस को, हमने ये डिफाइन किया। उसके बाद हमने ये देखा कि गैमेटोजेनेसिस कहाँ पे हो रही है, गोनेड्स में। गोनेड्स क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के। और कौन कौन से हैं? टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस में क्या हो रहा था? स्पर्म जनरेशन, स्पर्म फॉर्मेशन। और ओवरीज में क्या हो रहा है? ओवा फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा। हम बात कर रहे थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इन गोनेड्स की पोजीशन के हवाले से भी। तो हमने बात की कि जो टेस्टिस होती हैं ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लोअर एब्डोमिन में होती हैं और किडनीज के करीब होती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम दे डिसेंडेड आउट ऑफ द बॉडी और दे आर इनक्लोज्ड इन स्क्रूटम। और उसके अलावा हमने जब टेस्टिस की कवरिंग की बात की तो हमने कहा कि वो ट्यूनिका है, और जो टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो हैं उनकी फिर हमने उनके अंदर सेल्स की डिफरेंट टाइप्स देखी। सर्टिलाइज सेल्स होते हैं, उसके अलावा स्पर्मेटोजेनिक सेल्स उनके अंदर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो उनके दरमियान सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पेस थी उसको हमने कहा ये ल्यूमिन है, और जो स्पेसिस उनके दरमियान है सेमिनिफेरस टिब्यूल की उनको हमने कहा कि ये स्पेसिस इंटरस्टिशियम है, और जो सेल्स इंटरस्टिशियम में थे उनको हमने कहा ये लिडिक सेल्स हैं, और वो क्या सीक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसके अलावा हमने इलोंगेटेड सेल्स की बात की, मायोइड सेल्स की बात की, जिनका काम क्या था? कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्सेशन एंड मेच्योर स्पर्म इजेकुलेशन फ्रॉम द टेस्टिस। ठीक है, और फिर हमने टेस्टिस का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखा। ठीक है, कि तीन कवरिंग में ये इंक्लोज होती है टेस्टिस, और जो कन्क्लूटेड पार्ट जहाँ से स्पर्म्स इजेक्यूलेट होते हैं उन्हें हम उस मोस्ट कन्क्लूटेड पार्ट को हम कहते हैं ये एपिडिडमस है, और एपिडिडमस में से जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज होकर वेल्स यूट्रस में जाते हैं, वहाँ से यूरेथ्रा और वहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जो एम्ब्रियोज हैं एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट के दौरान जो ये सेल्स होते हैं जिनसे गैमेट्स बनते हैं, जिनको कहते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल। ठीक है, पीजीसी, प्राइमोडियल जर्म सेल। प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो है वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें जब ये बनते हैं तो ये फिर कहाँ चले जाते हैं? जहाँ पे गोनेड डिवेलप हो रहा होता है। ठीक है जी, अब्दुल कयूम आपने हैंड रेस किया, आप पूछना चाह रहे हैं? मैम आपने स्क्रीन शेयर की हुई है क्योंकि वो नहीं रहा ना। कहाँ पिक शेयर किया मैंने? आपने स्क्रीन की हुई है कि नहीं? नहीं, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की, मैं पिछला रिवाइज कर रही हूँ आपके साथ, दोहरा रही हूँ कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। स्क्रीन ही मैंने भी आपके साथ शेयर की, तो मैं ये डिस्कस कर रही थी आपके साथ कि हम एम्ब्रियो की बात करते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स पीजीसीज होते हैं जिनसे आगे जाके गैमेट्स बनने हैं, ये जब बनते हैं तो ये उस जगह पे जाके अकुमुलेट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं जिन सेल्स ने आगे जाके गोनेड्स बनाने हैं। ठीक है, उनके अंदर जाके ये स्टोर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं जेनिटल रिज विथ प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम जेनिटल रिज कह रहे हैं उस जेनिटल रिज में ये जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब एम्ब्रियो जब डिवेलप होता है उसके बाद उसकी सेक्स डिवेलप होती है, डिटरमिन होती है कि ये मेल एम्ब्रियो है या फीमेल एम्ब्रियो है। अगर वो फीमेल एम्ब्रियो था तो उसमें वो जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स थे वो ओवा बनाएंगे, और अगर वो मेल एम्ब्रियो है तो उसमें जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे स्पर्म्स में। लेकिन ये चीज के कौन सी चीज इनको डायरेक्ट कर रही है, ये सारा प्रोसेस क्या चीज गवर्न कर रही है कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, यानी उनकी पोटेंसी है ना कि वो एग्स भी बन सके और स्पर्म्स भी बन सके, तो कौन सी चीज है जो उनको मजबूर करती है कि वो एग्स में कन्वर्ट हों या फिर स्पर्म्स में कन्वर्ट हों? ठीक है, इनको हम कहते हैं ये बायपोटेंट सेल्स होते हैं, यानी इनकी पोटेंसी ये है, इनका पोटेंशियल ये है कि जब इनकी डिफरेंशिएशन हो तो ये टू टाइप्स में डेवलप हो सके। ठीक है, दो किस्मों में ये डिफरेंशिएट हो सके। तो हम कहते हैं
कहते हैं ये बायपोटेंट सेल्स होते हैं, लेकिन कौन सी किस्म बनेंगी, कौन सी चीज इसको गवर्न करती है, ये चीज हमने डिटरमिन करनी है। अच्छा पोटेंसी की बात हो रही है तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो डिफरेंट सेल्स हैं उनकी डिफरेंट पोटेंसीज होती हैं, ठीक है। कुछ बायपोटेंट सेल्स होते हैं, कुछ यूनिपोटेंट सेल्स होते हैं, कुछ प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं, कुछ ओमनीपोटेंट सेल्स होते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, कुछ ये होते हैं मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इनकी एग्जांपल देखें ना तो आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि मल्टीपोटेंट सेल्स वो होते हैं जो मल्टीपल टाइप्स में डिफरेंशिएट हो सके, जैसा कि ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ किस्म, ये जो ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, ठीक है। यानी ब्लड डब्ल्यूबीसीज में फिर आप अगर उनको पढ़े तो उनकी फिर आगे बहुत सारी टाइप्स है वाइट ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इन सेल्स की जो पोटेंसी है वो ये मल्टीपोटेंट है, ये मुख्तलिफ टाइप्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। इसी तरह हमने कहा कि ये वाले जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये बायपोटेंट हैं, यानी इनकी पोटेंसी ये है, इतना इनका पोटेंशियल है कि ये दो डिफरेंट टाइप्स में हो सकते हैं, ठीक है। और जो जायगोट है उसको हम कहते हैं ये टोटीपोटेंट सेल है, ये किसी भी किस्म के सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है। एक ही सेल होता है ना जायगोट, लेकिन आप देखिए उसी से नर्वस सिस्टम भी बनना है, उसी से डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनना है, उसी से आपके सारे कनेक्टिव टिश्यूज बनने हैं, सारा कुछ उसी से बनना है। यानी उसके डिफरेंशिएशन से किसी भी किस्म का सेल बन सकता है, ठीक है। ये एक पोटेंसी से रिलेटेड बात थी, जो मैंने बायपोटेंसी लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैंने कहा साथ में आपको वो भी बता दूं, ठीक है। अच्छा हम ये बात कर रहे थे कि जब ये जो बायपोटेंट सेल्स हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये जब गैमेट्स बनते हैं तो कौन सी चीज गवर्न करती है कि ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं एग्स या स्पर्म्स में। तो ये चीज एक्सपेरिमेंट से प्रूव की गई कि एग्स या स्पर्म्स बनना ये डिपेंड करता है कि इनका गोनेडल इन्वायरमेंट क्या है, ये किस किस्म के इन्वायरमेंट में जाके स्टोर हुए हैं, कहाँ पे ये जाके एक्युमुलेट हुए हैं, जो जिस जेनिटल रिज में ये गए हैं वो ओवरीज है या टेस्टिस है, ये उनके उस गोनेडल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हुए ये डिफरेंशिएट होते हैं। अगर ये ओवरीज में हो तो एग्स में ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और अगर टेस्टिस में है तो स्पर्म्स में। अब इस चीज को कैसे प्रूव किया गया कि डिवेलपिंग एम्ब्रियो में से जो टेस्टिस थी उनमें से प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स लेके ओवरीज में प्लेस कर दिए गए या ओवरीज से टेस्टिस में प्लेस कर दिए गए। तो जो इनका ओरिजिन था ना, यानी अगर इनको ओवरीज से लिया गया है, इनका ओरिजिन तो ये था ना कि ये ओवरीज से लिया गया है, तो अभी इन्होंने एग्स में डिवेलप होना था, लेकिन जब इनको टेस्टिस में प्लेस किया गया तो ये जब डिफरेंशिएट हुए तो ये स्पर्म्स में डिफरेंशिएट हुए, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि इनका गोनेडल इन्वायरमेंट क्या है, ये डिपेंड नहीं करता कि जिस एम्ब्रियो में ये डिवेलप हो रहे हैं उस एम्ब्रियो की क्या सेक्स है। अब उस एम्ब्रियो की सेक्स तो थी, वो फीमेल था एम्ब्रियो, लेकिन उस एम्ब्रियो से जब इन्होंने ये निकाले उस जेनिटल रिज से ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स और इनको प्लेस किया एक टेस्टिस में, तो ये स्पर्म्स में डिवेलप हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोनेडल इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है ये किस में डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हर्मेफ्रोडाइट है, हर्मेफ्रोडाइट आपको पता नहीं जो बायसेक्सुअल होते हैं, यानी उनमें ओवरीज भी होती हैं और उनके अंदर टेस्टिस भी होती हैं, ठीक है। उसमें फिर एक ऑर्गेनिज्म, एक नेमाटोड जिस पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, हर्क्यूलाइज ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, साथ उसके कुछ कोलीग्स थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस पे। बात जो मैंने आपके साथ एक पिक शेयर किया है आप वो काइंडली शेयर कीजिए। सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस नेमाटोड है और हर्मेफ्रोडाइट है, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ओवरीज भी हैं और टेस्टिस भी हैं, या आप आसान लफ्ज में यूं कहिए कि इसके अंदर एग्स भी बन रहे हैं और स्पर्म्स भी बन रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस का ये जो आपको नजर आ रहा है, जब आप इसको थोड़ा जूम कीजिए,
ओके सिनोरोडाइटिस एलिगेंस जो कि नीमाटोड है, इसका जो ये गोनेड है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अगर आप देखें तो इसमें ये आपको सेल से फिल्ड नजर आ रही है, ठीक है। इसके इस सिरे के ऊपर ये जो इसका डिस्टल एंड होते हैं, इस डिस्टल एंड पे एक बड़ा सारा सेल होता है जिसको कहते हैं डिस्टल टिप सेल। डिस्टल टिप सेल जो है इसमें से कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो हैं वो पीछे इस पूरे गोनेड के अंदर जा रही होती हैं, ठीक है। जहां तक ये प्रोजेक्शंस जा रही हैं उसको हम कहते हैं माइटोटिक जोन, ठीक है। और वो हिस्सा जहां पे थोड़ी सी प्रोजेक्शन कुछ जा भी रही है, कुछ जो है वो इन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से फ्री जोन भी है, कुछ थोड़ा सा इसका इन्फ्लुएंस है भी सही इन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन का, तो उसको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन जोन है। पहला कौन सा था? माइटोटिक जोन। दूसरा कौन सा? ट्रांजिशन जोन। और थर्ड जो है उसको हम कहते हैं ये मियोटिक जोन है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया गया कि इनके अंदर एग्स कब बनेंगे और स्पर्म्स कब बनेंगे। तो जो इन टेस्ट ये इस गोनेट का वो हिस्सा जो इन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के इन्फ्लुएंस के अंदर है वहां पे होती है माइटोसिस, और माइटोसिस से बनेंगे स्पर्म्स, ठीक है। और वो हिस्सा जो थोड़ा सा इन साइटोप्लाज्मिक डिस्टल टिप सेल की जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं उनके इन्फ्लुएंस के अंदर है, कुछ पार्ट थोड़ा सा फ्री है, जहां पे यानी कि ये दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, माइटोटिक जोन और मियोटिक जोन। तो दरमियान का जो हिस्सा उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन, यानी इसके अंदर मियोसिस भी हो रही होती है और माइटोसिस भी हो रही होती है, तो इसको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन जोन है। तो जो इसके बाद वाले सेल्स हैं जो इन इसके इन्फ्लुएंस से बिल्कुल बाहर हैं उनको हम कहते हैं ये मियोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, और इस पूरे जोन को हम कहते हैं ये मियोटिक जोन है। और जो सेल्स यहाँ पे बनते हैं वो ओवा में डिवेलप होते हैं, यानी कि मियोटिक डिवीजन जो होती है उससे एग्स की डेवलपमेंट होती है, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है माइटोटिक जोन वहां पे माइटोसिस से स्पर्म्स बनते हैं। तो अब यानी कि हमने ये जो कहा कि गोनेडल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि एग्स होंगे डिवेलप या फिर स्पर्म्स डिवेलप होंगे, तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म जो कि हर्मेफ्रोडाइट है जिसके अंदर एग्स भी प्रोड्यूस होते हैं और स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होते हैं, तो इनके अंदर कब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये कब जो है वो स्पर्म्स में डिफरेंशिएट होते हैं और कब ये बनाते हैं एग्स, ये डिपेंड करता है इन डिस्टल टिप सेल की प्रोजेक्शंस पे के जो इनके इन्फ्लुएंस के अंदर है वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और जो इससे दूर है वो किस तरह डिवाइड होते हैं मियोटिकली। तो हम कहते हैं कि जो अर्ली स्पर्म्स और लेट एग, यानी यहाँ पे अर्ली स्टेजेस पे स्पर्म बनते हैं और जो लेट लेटर स्टेजेस हैं जो लेटर डिवीजंस हैं लास्ट पार्ट है उस पे क्या होता है मियोसिस होती है और वहां पे एग्स बनते हैं, ठीक हो गया। ये हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म जो है सिनोरेब्डाइटिस एलिगेंस इसके अंदर जो एग्स और स्पर्म्स बनने का है प्रोसीजर वो इस तरह से हो रहा होता है, डिस्टल टिप सेल का इन्फ्लुएंस होता है इस पे। और ये जो यानी रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल नंबर है उसको मेंटेन रखा जाता है इस माइटोसिस से, ठीक हो गया। तो ये जो था ये हर्मेफ्रोडाइट यानी ये जो मैंने लास्ट पॉइंट कहा ना कि माइटोसिस से उस नंबर को मेंटेन रखा जाता है, यानी कि अब इन्होंने रिप्रोडक्शन के लिए जर्म सेल्स प्रोड्यूस तो करने हैं ना, गैमेट प्रोड्यूस तो करने हैं, तो अगर गैमेट्स जितने इसके अंदर सेल्स हैं वो सारे गैमेट में डेवलप हो जाए तो नए सेल्स कहाँ से आएंगे। तो जो जो ये वाले इस ये जो फर्स्ट जोन है माइटोटिक जोन इसमें जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिस्टल टिप सेल, और चूंकि वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो इस वजह से जो ये जर्म सेल्स हैं उनका नंबर मेंटेन रहता है गोनेड्स के अंदर, ठीक है। इसके
इसी तरह हम जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी हम देखेंगे उनमें ह्यूमन बीइंग्स में, और वो जेनेसिस भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की सूरत में भी वहां पे भी माइटोसिस हो रही है, जो इन स्पर्म्स का नंबर मेंटेन करने के लिए। जी अरीज फातिमा, क्या क्वेश्चन है आपकी तरफ से? मैम मुझे इस बात की नहीं समझ आई कि जो आपने स्टार्ट में बात की थी प्राइमोडियल जर्म सेल की, वो मैम उस बात को एक रिपीट कर दें कि कैसे डिड होगी हमारे पास स्टार्ट प्राइमोडियल जर्म सेल बनता कैसे? जब एक जायगोट बनता है स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन से, तो वो एक सेल बनता है। उस एक सेल के डिवीजन से आगे मुख्तलिफ सेल्स बनते जाते हैं। वो जो डिवीजन्स होती है ना, वो माइटोटिक डिवीजन्स होती है, लेकिन विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा होता, लेकिन अंदर ही अंदर माइटोटिक डिवीजन्स हो रही होती हैं। अब वो जो कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन्स हो रही हैं, उसमें फर्स्ट कुछ डिवीजन्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर सेल्स की फेट डिटरमिन नहीं होती कि इन सेल्स ने आगे जाके क्या बनाना है। उसमें से कोई भी एक सेल डिवेलप हो तो पूरे का पूरा आगे सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन चंद स्टेजेस, चंद डिवीजंस के बाद वो मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर मुख्तलिफ होती हैं। वो आगे हम जाके जब पढ़ेंगे ना क्लीवेज और ब्लास्टुलेशन और वो सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे, तो ये इंशाल्लाह ये डिटेल से हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो चंद क्लीवेजेस जब गुजर जाती हैं, चंद डिवीजंस हो जाती हैं, तो उसके बाद सेल्स की फेट डिटरमिन हो जाती है कि किन सेल्स ने क्या बनाना है। कौन से सेल्स ऐसे हैं जो जर्म सेल्स बनाएंगे, यानी एक्सोस्पर्म्स बनाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे। कौन से सेल्स ऐसे हैं जो के नर्वस सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। कौन से सेल्स ऐसे हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज बनाएंगे। सेल्स की फेट डिटरमिन हो जाती है, और उसके बाद सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। जो एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर यानी कि सारे सिस्टम सेपरेटली डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कुछ सेल जो हैं वो डिफरेंशिएट होकर प्राइमोडियल जर्म सेल्स बना देते हैं। और फिर मैम आपने बात की थी जेनिटल रिज की। जेनिटल रिज जो है ये वो एम्ब्रियो का पार्ट होता है, ये वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसके अंदर ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं उसके अंदर आके स्टोर होते हैं। यानी वो जो जेनिटल रिज है ना, वो आगे जाके गोनेड में डिवेलप होता है, ठीक है। यानी अगर वो फीमेल एम्ब्रियो है तो वो भी ओवरीज बना देगा, अगर वो मेल एम्ब्रियो है तो वो टेस्टिस बना देगा। लेकिन ये जो जेनिटल रिज है ये उन प्राइमोडियल जर्म सेल्स से नहीं डिवेलप हुई। ये बॉडी के जो सोमेटिक सेल्स है ना, ये जो जेनिटल रिज है ये उन्हीं से डिवेलप हुई है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो हमारे एग्स और स्पर्म्स हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स, ये सोमेटिक सेल्स से नहीं बनते, ठीक है मैम। लेकिन जेनिटल, अगर जेनिटल रिज हमारे पास सोमेटिक सेल्स से बन रही है, तो फिर हमारे पास जर्म सेल्स भी तो मतलब ओरिजिन तो इनका वही हुआ ना? नहीं, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि उनका जो जेनिटल रिज है उस वो सोमेटिक सेल्स से बनी है, लेकिन जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं वो जो है वो सोमेटिक सेल्स उनका ओरिजिन नहीं है। वो उन जो सोमेटिक सेल्स से एक चीज बनी हुई है उसके अंदर आकर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एक बैग है, एक शॉपिंग बैग है, अब वो उसके अंदर आप कोई चीज रख रहे हैं शॉपिंग बैग के अंदर, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दोनों एक ही चीज बन गई। जो शॉपिंग बैग है और जो चीज आपने उसके अंदर डाली है वो दोनों का सेम ओरिजिन हो गया, या सेम टाइप हो गई, या सेम खुसियात उनकी हो गई, या वो उस शॉपर, वो जो है वो एक शॉपर है, एक शॉपिंग बैग है, एक थैला है, उसी से वो चीज बनी है जो आपने उसके अंदर डाली है, ऐसा तो नहीं है। तो इसी तरह ये जो जेनिटल रिज जो आगे जाके गोनेड में डिवेलप हो जाता है, इसके अंदर नहीं वो बनते, वो इसके अंदर आके स्टोर होते हैं जो जर्म सेल्स हैं। थैंक यू मैम, आई अंडरस्टैंड। सही है जी, आज हमने यही करना था। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे, हम स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह को उसमें भी डिस्कस करेंगे। यहां तक आप में से किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन हो? थैंक यू ज़रबाब, आपने स्क्रीन शेयर की। हाँ जी, लास्ट मिनट चल रहा है, आप कुछ पूछना चाहें? जी उम्मीद सलमा मैम, माइटोटिक
जो है उस स्पंग और मियो तो जो ट्रांजिशन उससे क्या बन, सॉरी मुझे समझ नहीं आई। ट्रांजिशन जोन कौन से सेल, ट्रांजिशन जोन का मतलब है कि वो मियोसिस और माइटोसिस के बैन है, उनके दरमियान है, इन बिटवीन द माइटोटिक जोन एंड मियोटिक जोन। यानी इसके अंदर कुछ सेल्स माइटोटिकली डिवाइड कर रहे होते हैं, कुछ मियोटिकली डिवाइड कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन जोन है। कि इस ये थोड़ा सा ये यानी कि ये वो जोन है जो उस डिस्टल टिप सेल के अंदर से जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस आ रही हैं उसके इन्फ्लुएंस से खुद को आजाद कर रहे हैं, लेकिन ये मुकम्मल आजाद नहीं हो पाया उसके इन्फ्लुएंस से। और आगे चलते हुए गोनेड्स में आगे की तरफ जाए तो जो मियोटिक जोन है वो कम्प्लीटली उसके इन्फ्लुएंस से फ्री है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।